सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, प्रणाम, सलाम, मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ फिर एक बार आज की वीडियो लेकर। और आज की वीडियो है दिन विशेष 16 मार्च के, जिसमें जन्मदिन, स्मृति दिन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, साथ में आज का विचार और आज का सवाल। तो ज्ञान से, जानकारियों से भरा हुआ, मनोरंजन से भरा हुआ एक पैकेज जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को जल्द से जल्द, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए भाई, अब वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आज के इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सी नारायण का आपको सस्नेह नमस्कार, कीजिए स्वीकार और सुनिए आज का सुविचार। आज का सुविचार यह है, पैरों में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। बहन भाइयों, फिर एक बार ये आज का सुविचार, पैरों में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। तो चलिए भाई, ये हुआ आज का सुविचार जो हमारे ज़िंदगी को सही दिशा, प्रेरणा और सकारात्मकता लाने वाला ये सुविचार है। चलिए अब आज का सवाल है, कौन सा फूल 12 साल में एक ही बार खिलता है। जी हाँ, बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक सवाल है, कौन सा फूल 12 साल में एक ही बार खिलता है। तो सवाल का जवाब वीडियो के अंत में। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो को आप पूरी देख लीजिए और वीडियो के अंत में इसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए भाई, आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिन है। पहली बार 1995 में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली मात्रा दी गई थी और यही से ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिन मनाया जा रहा है। तो चलिए, आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं भाई आज के दिन विशेष की ओर, जो है 16 मार्च के। तो सबसे पहले ये रहे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1521 में फर्डिनांड मैगेलन, इन्होंने जग प्रसिद्ध प्रदक्षिणा करते हुए फिलीपाइंस पहुँचे। 1528 में फतेहपुर सिकरी में राणा संगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच लड़ाई हुई, जिसमें राणा संगा की हार हुई। 1649 में शाहजी राजा को रिहा करने के हेतु शिवाजी महाराज ने शाहजहां के सुपुत्र शाहजादा मुराद को पत्र भेजा। 1919 में भारत में प्राथमिक शिक्षा सख्त करने का प्रस्ताव गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने रखा। 1936 में महाड़ का चौदार तालाब पानी पीने का अधिकार होने का निर्णय मुंबई हाई कोर्ट ने दिया। 1943 में प्रभात फिल्म्स की एक फिल्म नई कहानी, ये फिल्म रिलीज की गई। 1945 में दूसरा महायुद्ध जारी था, जिसमें रॉयल एयर फोर्स ने तूफानी बॉम्ब फेंक करते हुए जर्मनी के वुर्ज़बर्ग, ये शहर का नाम है, वुर्ज़बर्ग जर्मनी का ये शहर है, इसका विनाश महज 20 मिनट में किया। 1966 में अमल कुमार सरकार भारत के 8वें सर न्यायाधीश बने। 1976 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन ने इस्तीफा दिया, अपने प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा दिया। 2000 में
हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले और तेज दौड़ने वाली धावक ज्योतिमय सिकदर इन्हें के बिरला पुरस्कार घोषित किया गया। 2001 में नेल्सन मंडेला जी को गांधी शांतता पुरस्कार प्रदान किया गया। 1966 में अमेरिका ने पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान जेमिनी 8 प्रक्षेपित किया। 1992 में निर्माता, पटकथा लेखक, संगीतकार, गीतकार, ग्राफिक कलाकार सत्यजीत रे इनको ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक पूरे करने वाले सचिन तेंदुलकर क्रिकेट विश्व के पहले खिलाड़ी बने। तो ये हुए भाई कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। अब चलते हैं जन्मदिन की ओर, जो है 16 मार्च के इंदौर के होलकर घराने के पहले प्रशासक मल्लाराव होलकर 1693, जर्मन खगोलशास्त्री कैरोलिन ल्यूक्रेट्रिया हर्शेल, कैरोलिन ल्यूक्रेटिया हर्शेल 1750, अमेरिकन पॉलिटिशियन, वकील, मुसद्दी और चौथे राष्ट्राध्यक्ष जेम्स मैडिसन 1751, जर्मन गणितज्ञ भौतिक शास्त्रज्ञ जॉर्ज ओहम 1789। क्रांतिकारक महात्मा गांधी जी के अनुयायी शिष्य पोट्टी श्री रामलु 1901, अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर और पहली एमआरआई मशीन के यानी स्कैनिंग के शोधक रेमंड वाहन दामादियन 1936, आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रणेता प्रभाकर बर्वे 1936, सऊदी अरेबिया के राजा फहाद 1921, संगीतकार भास्कर चंदावरकर 1936, ये सितार वादक भी हैं, गायक कबीर सुमन 1949, क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्र चड्डा 1951, अभिनेता राजपाल यादव 1971, क्रिकेट खिलाड़ी इफ्तिखार अली खान पटौड़ी, ये मंसूर अली खान पटौड़ी के पिताजी हैं, 1910 में इनका जन्म हुआ था। अभिनेता रणविजय सिंह 1983, गुजराती कवि लेखक नानालाल दलपतराम 1877, बंगाली साहित्यिक राजशेखर बसु 1880, अभिनेता दया किशन सप्रू 1916, अभिनेत्री अनन्या खरे 1968, सर न्यायाधीश पी वी गजेंद्र गढ़कर 1901। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब 16 मार्च के स्मृति दिन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक गणेश दामोदर सावरकर 1945, जयपुर अत्रोली घराना के संस्थापक और संगीत सम्राट उस्ताद अलादिया खान 1946, फुटबॉल खिलाड़ी और ओलंपिक खेलों में हैट्रिक करने वाले पहले एशियाई फुटबॉल खिलाड़ी नेवल डिसोजा 1980, संत वांग्मय के अभ्यासक और लेखक वी एस पागे 1990, बंगाल देश के क्रिकेट खिलाड़ी मंजूर उल इस्लाम 2007, सिर्फ 23 वर्ष की उम्र इन्हें प्राप्त हुई। हिंदी साहित्यिक अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरि औंध 1947, गायक, गीतकार, संवाद लेखक, निर्माता समुद्राला वेंकटा
राघवाचार्युलु 1968। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं। और क्या हुआ? याद है भाई, याद है, याद है। हाँ, सवाल का जवाब देना है ना, तो लीजिए ये सवाल का जवाब। सवाल था, कौन सा फूल 12 साल में एक ही बार खिलता है? तो फूल का नाम है नीला कुरिंजी। इसका ये फूल नील कुरिंजी ये फूल का नाम है। ये फूल, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं कि ये फूल खूबसूरत केरल के मुनार में हर 12 साल के बाद खिलता है। और इस फूल का नाम नील कुरिंजी, जो केरल की स्थानीय भाषा के अनुसार रखा गया है। नीला रंग से तात्पर्य रखता है, नीला जो रंग है, नील, ये रंग नीला से तात्पर्य रखता है। और कुरिंजी ये स्थानीय भाषा का फूल का नाम है। तो इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो ये हुए भाई फूल के बारे में जानकारी, नील कुरिंजी। चलिए भाई, तो आज का दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर इसमें कुछ गलतियाँ हो या सुझाव या सूचनाएं हो तो ज़रूर मेरे पर्सनल चैट पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7058311389। और तो भाई, जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करते जाइएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए भाई, अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो इसी के साथ ही आज का दिन विशेष खत्म करता हूँ, अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो चलिए बहन और भाइयों, श्री नारायण को दीजिए आज्ञा। नमस्कार बहन और भाइयों, अलविदा।